हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल तोमर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कमसिजन ऑपरेशन के बाद कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं। सर्कमसिजन सर्जरी क्या होती है इसके बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर्कमसिजन एक ऐसी सर्जरी जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं एंड दे फील एम्बैरेस्ड अबाउट सर्कमसिजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सो दे जनरली कीप टू themselves और वो अपने आप ही इंटरनेट पे ढूंढ के, दोस्तों से पूछ के या सीक्रेटली किसी डॉक्टर को मिल के अपना इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है जिससे कि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंच पाएँ कि सर्कमसिजन सर्जरी कराने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बता दूं कि जो मैं इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं ये किसी भी टाइप के सर्कमसिजन सर्जरी के ऊपर वैलिड है। अगर आपने कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी कराई है या कोई डिवाइस से सर्जरी कराई है, लेजर से कराई है या किसी भी तरीके से कराई है, तो आपको इंस्ट्रक्शन जो है लगभग सेम ही फॉलो करने पड़ते हैं, उनमें कोई खास चेंज नहीं आता है। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो अगर दिखने लगे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको घर पे रुक के सिचुएशन और ख़राब होने का वेट नहीं करना चाहिए। द जनरल आइडिया आफ्टर सर्कमसिजन सर्जरी इज़ टू मेंटेन हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई मेंटेन करना सर्कमसिजन सर्जरी के बाद में बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी तरीके से सर्जरी कराई हो, स्टिचेस हो वहाँ पे या कोई क्लिप्स हो या कोई सिलिकॉन रिंग हो, ये सभी अलग अलग टाइप की फॉरेन बॉडीज़ हैं और उनके होने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी सर्जरी के बाद आने वाले कुछ हफ्तों में आपका उस जगह का हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने मन से कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन या कोई होम रेमेडी खुद ढूंढ के या किसी के कहने पे ट्राई मत कीजिए। जो आपके ऑपरेटिंग सर्जन है उन्होंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप वही फॉलो कीजिए या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपने डाउट सॉल्व करवाइए, ना कि आप अपने आप अपना खुद का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आपकी सर्जरी फॉर एग्जांपल आज हुई है, आज आप शाम को या अगले दिन हॉस्पिटल के बाद आप घर आए हो, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए और कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब आप ऑपरेशन होकर घर आए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में स्वेलिंग और रेडनेस होना एक्सपेक्टेड है, थोड़ा पेन होना एक्सपेक्टेड है, कुछ रेडनेस यानी कि ब्लीडिंग या कोई रेडिश डिस्चार्ज या कोई वाटरी डिस्चार्ज आना उस जगह से जहाँ पे वूंड है, स्टिचेस है, वहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो जब आप हॉस्पिटल से जनरली आए होंगे तो वहाँ पे ड्रेसिंग लगी होगी, ये ड्रेसिंग जो है हो सकता है आपको घर पे बदलने का इंस्ट्रक्शन दिया जाए। जनरली जो चीज़ नहीं बताई जाती है कि ड्रेसिंग निकालने के टाइम पे पेन हो सकता है, तो अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उसको साफ़ सुथरे पानी से, बॉइलिंग वाटर जिसको कि ठंडा किया गया हो यानी कि साफ पानी से उसको गीला करके अगर निकालेंगे तो आपको पेन कम होगा और ड्रेसिंग ईजिली निकल आएगी। ड्रेसिंग अक्सर गीली होगी, लेकिन अगर ड्रेसिंग गीली हो गई तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप जैसे मैंने उसको बताया अपने आप चेंज कर सकते हैं। आप ड्रेसिंग निकालने के बाद आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई एंटीबायोटिक मेडिकेशन लिख के दी है जो कि उस जगह पर लगानी है, आप उसको लगा के और उसके ऊपर फिर से ड्रेसिंग की जो पट्टी है वो लगा सकते हैं। अगर आपको किसी ने बताया ना हो तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की पट्टी आती है, कुछ में दवाइयाँ होती हैं और उनमें पैराफिन वैक्स भी होता है जिसके के कारण उनको लगाना और निकालना इजी हो जाता है। क्लोरहेक्सिडीन नाम की उसमें दवाई होती है, दे आर कॉल्ड बैक्टीग्रास ड्रेसिंग, ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी एंड आप उसको यूज़ करके अपने वूंड को अच्छे से कवर कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, फिर अपना पूरा दिन केयरफ्री तरीके से निकाल सकते हैं। जहाँ तक बात आती है नहाने की, आप ऑपरेशन के बाद तुरंत ही नहाना शुरू कर सकते हैं। हाउएवर यू हैव टू टेक केयर कि आप वहाँ पे जहाँ पे वूंड है, जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, वहाँ पे कोई वहाँ पे खरोचे नहीं, कोई उंगली से वहाँ पे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें एंड साफ सुथरे पानी से नहाएं। उसके बाद उस जगह को ड्राई होने दें अच्छे से, तभी दवाई लगा के उसकी ड्रेसिंग करें। तो नहाना आप अगले दिन से अलाउड है, ड्राई रखना ज़रूरी है, ड्राई रखने के बाद ड्रेसिंग करना ज़रूरी है और उसके बाद अपना दिन शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि कुछ पेशेंट्स हैं जो मेरे पास हैं वो पानी कम पीते हैं ये सोच के कि उनको बार बार अगर यूरिन होगी तो उससे उनके ऑपरेशन में कोई नुकसान होगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये गलत थिंकिंग है। आपके ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप बार बार यूरिन पास करने जाएंगे, तो उल्टा डिहाइड्रेशन जो है वो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में पेन
और स्वेलिंग काफ़ी हो सकती है। हो सकता है कि स्किन निकालने के कारण कोई एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी भी हो, इसीलिए लूज क्लोथ्स पहनना जो है वो काफ़ी आपको आराम देगा, काफ़ी उसको उसकी आपको हेल्प होगी। तो वेयर लूज क्लोथ्स एंड मेक श्योर दैट योर क्लोथ्स आर ऑल्सो हाइजीनिक। जैसे ही आप ऑपरेशन से आए होंगे आपको स्टार्टिंग में कुछ दिनों की ओरल दवाई भी दी जाती है 5 से 7 दिन के लिए। इसमें अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर मेडिकेशन होता है, एंटासिड्स होता है। तो ये दवाइयाँ आप जैसे आपको डोजेजेस बताए गए हैं उसी तरीके से खाइए। पेन स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे ये पेन आने वाले कुछ दिनों में कम हो जाएगा। दैट शुड बी द जनरल ट्रेंड ऑफ योर हीलिंग कि स्टार्टिंग में अगर पेन ज़्यादा है तो एक हफ्ते बाद और कम, उसके एक हफ्ते बाद और कम। स्वेलिंग भी अगर ज़्यादा है तो एक हफ्ते बाद और कम, उसके नेक्स्ट एक हफ्ते बाद और कम। तो अगर ये ट्रेंड में आपकी हीलिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, यानी कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है और सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं, आपकी वूंड हीलिंग ठीक से हो रही है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ स्पेशली पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स में एसिडिटी होती है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट अ हेल्दी बट लेस स्पाइसी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वेज ही खाना है, वेज भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, चिकन, एग्स, राइस सब कुछ खा सकते हैं। द पॉइंट इज दैट इफ इट इज लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, यू विल हैव लेस एसिडिटी बिकॉज द मेडिकेशन विच यू आर टेकिंग इज ऑलरेडी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हैविंग एक्स्ट्रा एसिडिटी। पेन स्पेशली रात के समय में कभी कभी ज़्यादा होता है बिकॉज रात के समय में जब आप सो रहे होते हो तो इरेक्शन होते हैं बॉडी में, वो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है, पर इरेक्शन होने के कारण स्टिचेस के ऊपर या क्लिप्स के ऊपर कभी कभी खिंचाव हो सकता है जिसके कारण पेन हो। इस पेन को आप अवॉइड या कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज आप सो रहे होते हैं, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं। हाउएवर अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो आप उसका डोज बढ़ा सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, या उसको कुछ एक्स्ट्रा दिनों तक ले सकते हैं, अगेन अपने डॉक्टर से पूछ के। जहाँ तक आपके ऑफिस की बात आती है, ऑफिस और हल्का फुल्का काम जैसे घर के काम, जैसे 2-व्हीलर चलाना, 4-व्हीलर चलाना, ट्रेन में ट्रैवल करना, ऑटो में ट्रैवल करना, ये सब आप ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद से ही शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आपके ऑपरेशन के ऊपर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ऑपरेशन खराब भी नहीं होगा। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी स्टार्टेड एज सून एज यू आर कंफर्टेबल आफ्टर योर सर्जरी, कोई लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं तो जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात आती है, जनरली आफ्टर योर सर्कमसिजन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एंगेज इन एनी स्पोर्ट्स विच कैन कॉज इंजरी और कैन कॉज इन्फेक्शन टू द ऑपरेटेड एरिया। यानी कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है सर्कमसिजन का, उस एरिया में अगर किसी स्पोर्ट्स के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे स्विमिंग वगैरह के कारण पानी से इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर आप किसी विगरस एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं जैसे कि कार्डियो है या कोई फुटबॉल है या ऐसे कोई स्पोर्ट्स है जिसके कारण वहाँ पे इंजरी हो सकती है, तो ऐसे स्पोर्ट्स को आप शुरू में कुछ हफ्तों तक, 4 से 6 हफ्ते तक अवॉइड कीजिए। एक बार वूंड हीलिंग प्रॉपरली हो जाए उसी के बाद आपको ऐसे सब स्पोर्ट्स में धीरे धीरे करके पार्ट लेना चाहिए। जहाँ तक सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आती है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे अवे फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रॉम फॉर फर्स्ट 4 to 6 weeks। बाय सेक्सुअल एक्टिविटी आई ऑल्सो मीन मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स बोथ। इवन आफ्टर 4 to 6 weeks, if you are engaging in a sexual activity, it is always good to use protection. For example, a condom you can use, which will not only prevent infection on the skin, which is delicate after the surgery, but will also prevent other form of sexually transmitted infections. Lastly, ऐसे कौन कौन से वार्निंग साइंस हैं, ऐसे कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू लुक फॉर ब्लीडिंग। रेडिश डिस्चार्ज होना, वाइटिश डिस्चार्ज होना, थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होना जो कि प्रेशर दे के रुक जाती है 5 मिनट में 10 मिनट में, अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई ब्लीडिंग हो रही है जो कि बहुत देर तक दबाने के बाद भी नहीं रुक रही है, आप प्रेशर दे रहे हैं बट आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नहीं रुक रही है, तो ये समय है कि आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इमरजेंसी बेसिस पर उनके पास जाके उनको दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, कोई ऐसे खराब स्मेल वाला डिस्चार्ज आ रहा है स्पेशली सूचर्स के वहाँ से, तो भी आपको जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर स्वेलिंग और पेन बढ़ती जा रही है, अगर रेडनेस बढ़ती जा रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो आपको ऑपरेशन होने के बाद 4 से 6 हफ्ते जो प्रोग्रेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका पेन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाए, जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाए, एंड जो वूंड हीलिंग है, जो घाव भरने का प्रोसेस है, वो भी धीरे धीरे अच्छा चलता जाए। तो एवरी वीक आपको असेस करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर को भी टच में रहना चाहिए, जब वो बुलाए तो फॉलोअप पे जाना चाहिए। द आइडिया इज दैट द हीलिंग प्रोसेस शुड बी ग्रेजुअल बट प्रोग्रेसिव। अगर आप देखें कि उल्टा होने लगा है, कि आपका पेन बढ़ गया है, आपको फीवर आने लगा है, वूंड जो है ठीक से भर भी नहीं रहा है, वहाँ से प्योरलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, वापस आ रहा है,
तो आपको देखना चाहिए, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कोई तो इन्फेक्शन हो गया, कोई तो चीज़ गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है। अगर ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है, आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो जो जनरल पैटर्न ऑफ रिकवरी है वो ये है कि ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे 4 से 6 हफ्ते के बाद में आपकी वुंड हीलिंग अच्छे से हो जानी चाहिए और लगभग आपको भूल जाना चाहिए कि आपका 1-1.5 महीने पहले कोई भी ऑपरेशन हुआ था। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। मैंने और भी ऐसे इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ बनाए हैं आफ्टर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़, जिनको मैं ऊपर लिंक कर देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। एंड इफ यू लव दिस वीडियो दैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड लिव हेल्दी, लिव स्मार्ट।